एक नई बात की पर एक सबका उत्तर लेना चाहता हूं। ये बात अभी देश में कहीं चर्चा में नहीं आई लेकिन बहुत जेन्यून बात है। अरविंद जी, विवाद ये था कि मस्जिद को हटाकर वहां राम का भव्य मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पर तो विवाद था और यह विवाद न्यायिक परिक्षेत्र में था, यह भी तय है, ठीक, उसकी एक मर्यादा है न्याय की। लेकिन इस पर कहीं कोई रोक नहीं थी, लोकल मुंसिप अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तक। त्रिपाठी जी, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आपको भी उत्तर देना होगा क्योंकि आपकी पार्टी लंबे समय तक शासन में रही, गोविंद वल्लभ पंत से लेकर नरेंद्र तिवारी तक, और जोशी जी को भी देना होगा, चार बार चीफ मिनिस्ट्री उनके घर भी रही। अयोध्या में बड़ी सड़कें हो, इस पर किसी की रोक नहीं थी। अयोध्या में पानी बिजली चकाचक हो, इस पर किसी की रोक नहीं थी। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इस पर किसी की रोक नहीं थी। अयोध्या में स्ट्रीट लाइट हो, इस पर किसी की रोक थी नहीं थी। उतने से 2.7 एकड़ जो जमीन थी उतने का ही झगड़ा था, उसको छोड़कर तो शेष अयोध्या फ्री थी, सरकारों के अधीन थी। मैं तो इतनी बार अयोध्या गया, मुझे अयोध्या में कभी किसी ने रुचि ली हो शासन ने ऐसा तो कभी दिखा नहीं। अयोध्या जब मैं जाता था, जब आंदोलन चल रहा था। अरविंद जी, अमिताभ जी, आप बताइए, अयोध्या आप गए होंगे अनगिनत बार, अयोध्या जाने पर वहां सड़कों की स्थिति क्या रहती थी, नालियां कैसे होती थी, आमने सामने से आने वाले दो रिक्शा को, साइकिल रिक्शा को निकलना मुश्किल हो जाता था, दुकान होता था, खाने की खाने का रेस्टोरेंट होता था और सामने बजबजाती हुई नाली होती थी, साधु संतों के आश्रम न हो वहाँ पे तो रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी, ये स्थिति आपने देखी है। और केवल अयोध्या की नहीं, तो भारत के जितने भी तीर्थ स्थान हैं आज़ादी के बाद सभी उपेक्षित पड़े रहे हैं, और यदि वो डेवलप हुए हैं तो वहाँ लोकल पंडा पुरोहित और जो दर्शनार्थी जाते हैं उनके खर्चे से, उनके व्यवस्थित से, और सरकार के लिए प्रायोरिटी में अंतिम पदान पे आने वाले ये चीज़ें रही है, ये स्थल रहे हैं। देखिए 1947 में राजनीतिक रूप से भारत भले ही आज़ाद हो गया हो लेकिन सांस्कृतिक रूप से आज़ादी मिलनी बाकी थी, और राजेंद्र बाबू से लेके और पटेल तक सभी चाहते थे कि राजनीतिक रूप आज़ादी के साथ साथ सांस्कृतिक आज़ादी भी मिलनी चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश से पढ़े लिखे व्यक्ति थे, विदेशी सोच को ज़्यादा अच्छा मानते थे, और लंबे गुलामी के बाद एक मानसिकता बनी थी कि मस्जिदों में जाना, मुस्लिम धर्म स्थलों पे जाना, ये जो है सेक्युलरिज्म का निशानी है, और किसी आप धर्म स्थल पे चले जाते हैं तो इसको सांप्रदायिकता समझी जाएगी। यही कारण है कि 47 से लेकर आज तक कांग्रेस तो 5 दशक से ज़्यादा शासन में रही है, और गांधी नेहरू परिवार का कोई भी एक व्यक्ति श्री राम जन्मभूमि पे माथा टेकने गया हो तो आप बता दीजिए। हमारे केवी त्रिपाठी जी बैठे हैं, इन्होंने मैसेज दिया 9 वर्ष पे राम के नाम के साथ, ये अभिनंदन के पात्र हैं, बहुत अच्छी बात है। काश इनके नेता राहुल जी और सोनिया जी ऐसा मैसेज देते तो समाज में जो धारणा बनी है वो धारणा दूर होती। केवल केवी त्रिपाठी जी के मैसेज देने से नहीं होता है। और एक लाइन में और बात मैं पूरी करूंगा, मैंने कहा तो केवी त्रिपाठी जी ने कहा कि गलत आरोप लगा रहा हूं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप बताइए, 1949 में जब मूर्तियां प्रकट हुई तो जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे, गोविंद वल्लभ पंत जी मुख्यमंत्री थे, भगवान सहाय चीफ सेक्रेटरी होते थे और के नायर वहां जिलाधिकारी थे। जो पत्र व्यवहार हुआ है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, जो सीएस ने जिलाधिकारी, सब डॉक्यूमेंटेड है। और नेहरू जी कदापि नहीं चाहते थे कि मूर्तियां वहां पे रहे, उनकी इच्छा थी कि मूर्तियां हटा दिया जाए, लोकतंत्र में और सेकुलरिज्म वाले शासन में मूर्तियां कैसे प्रकट हो सकती है, ये ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। तो मैंने जो कहा कि आप विरोध में रहे हैं तो रहे, ये अच्छी बात है, और नहीं तो आप कहना चाहते हैं कि राम मंदिर के हक में रहे हैं तो आप कहिए कि आपके शासनकाल में रामलला प्रकट हुए 1949 में, आप कहिए कि आपके शासनकाल में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो ताला खोला गया, आप कहिए कि आपके शासनकाल में शिलान्यास हुआ, और आप कहिए कि जब आपका प्रधानमंत्री था तो गुलामी का प्रतीक ध्वस्त किया गया, ये बातें आपको कहनी होगी। लेकिन आप कहने से डरते हैं कि कहेंगे तो अल्पसंख्यक का वोट हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो जिस चीज़ का आप नहीं दावा करते हैं उसका श्रेय जनता आपको कैसे देगी, के वी त्रिपाठी जी? ठीक, आप बताइए। जोशी जी, वही विनम्र सवाल, मुलायम सिंह जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने और उससे लेके अखिलेश जी तक,
चार बार चीफ मिनिस्ट्री रही उस घर में। सड़कें बड़ी बनवा सकते थे, सुंदर बनवा सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करा सकते थे, नहीं स्कूल कॉलेज अस्पताल बनवा सकते थे, नहीं उनपे कोई रोक नहीं थी। सारा झगड़ा 2.77 एकड़ का था, उसको छोड़ दो, छोड़ो, वो तो राम जी के ऊपर छोड़ दिया, जब राम जी चाहेंगे तो हो जाएगा। बाकी काम तो मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए था, नहीं जब राम सबके थे तो अदालत का फैसला आता था, लेकिन बड़ी अयोध्या भव्य हो जाए इसमें तो कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता था। जोशी जी क्लियर करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जब हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जितने पहले बैठे आप बैठे सभी के प्रधानमंत्री ये, और माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं, हमें बड़ा नहीं नहीं मैंने दूसरा सवाल पूछा, आप कहां प्रधानमंत्री फंस गए सर, और विषय भी देने जरूरी होते हैं, ऐसा नहीं करिए अमिताभ जी, गलत जी। मैं एक मिनट में समेट दूंगा आपके क्वेश्चन में, लेकिन विपक्षियों को थोड़ी मैं वॉक ओवर दे दूंगा, कैसी बात कर रहे हैं जी जी, बिल्कुल 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 जी। मैं कच्चा खिलाड़ी नहीं रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी अबू धाबी जा रहे हैं, बहुत स्वागत है और बड़े देश के लिए गर्व की बात है। मैं कहना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर भी चले जाते, उन बेटियों के आंसू पूछ के आ जाते, और एयरपोर्ट का देने का काम कर रहे हैं, बहुत स्वागत का योग्य कदम है, मैं इसका भव्य स्वागत करता हूँ। समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन बताता हूँ, समाजवादी पार्टी भव्य स्वागत करती है कि एयरपोर्ट मिलने जा रहा है अयोध्या को। मैं पूछना चाहता हूँ 140 करोड़ लोगों की भावना है कि उस औद्योगिक मित्र की बुरी नजर उस एयरपोर्ट को ना लग जाए, उसको बुरी एयरपोर्ट को उस नजर से बचाने की भी आवश्यकता है। और जमीन घोटाले की बात अयोध्या से छुपी नहीं है, किन किन के नाम आए ये सामने हमारे साथ। मेरे ख्याल से जोशी जी अब समय कम है, आप मेरे ख्याल से इस बात का उत्तर दे दिया जाए कि अगर अयोध्या में बड़ी सड़कें अच्छे भवन प्लांट वे में सिटी का डेवलपमेंट अस्पताल स्कूल मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते तो कोई रोक सकता था। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से संक्षेप का उत्तर फिर मैं तुम्हारी बिल्कुल बिल्कुल 2020 के स्टाइल से जी। आपको बताना चाहता हूँ वहां पर तहसील बनाने का काम माननीय हमारी सरकार निकलवा लीजिएगा। तहसील जिला बनाने से कुछ नहीं होता महाराज, तहसील जिला तो कागज पे बनते हैं, उनसे क्या होता है। अरे आप अयोध्या दूर से देखे हो प्रभु माफ करना, मैं 84-85 से अयोध्या जा रहा हूं, वहां फैक्स नहीं मिलता था भेजने के लिए, अमिताभ फैजाबाद आना पड़ता है। रुको महाराज, हमको बख्शो, हम अयोध्या आंखों देखा आप हमको बता रहे, हमको गूगल में देख के अयोध्या जानते हैं। छोड़ो त्रिपाठी जी, मान लो गोविंद मल्लभ पंत से लेकर नरेंद्र तिवारी तक ये कर लेते कि हमको नोएडा जैसा बनाना है अयोध्या को, तो कोई माइकल लाल रोक लेता नहीं, वो विवाद वाली जगह छोड़ रखते, जब अदालत फैसला देगी तब, और जो देगी सो माना जाएगा, खत्म बात। लेकिन बाकी अयोध्या तो चकाचक बना सकते थे, फब्बारा झरना सब लगे होते, जहां आदमी जाए आनंद आ गया वैकुंठ, नहीं भाई साहब तो बात कड़वी है शर्मनाक है, लेकिन कह दूं मैं भी अपने ढंग का अलवेला आदमी हूं, अयोध्या के बंदर तक मैंने कुपोषित देखे, वो दौर मैंने देखा, मंदिरों में दिया बाती का स्थिति नहीं दी थी, मैंने देखा मित्र, डूब मरे सब, कहते राम सबके हैं, ये वो देश था जिसमें राम सबके थे, एक टूटा टेबल फैन, तीन टांग का स्टूल, उस पर एक टेबल फैन रखा था रामलला के सामने। त्रिपाठी जी जी अमिताभ जी, निश्चित तौर पर सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि जैसी अयोध्या है वैसे ही पूरा देश भी अगर चकाचौंध रहे और विकास की गंगा बहे तो किसको उस पर आपत्ति होगी, लेकिन ऐसा भी आरोप बिल्कुल ठीक नहीं है कि अयोध्या के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। जिस तरह से काम हुआ, देश को जो विकास की गति दी, वो हमारी पार्टी ने दी है, और निश्चित तौर पर इसका श्रेय देना पड़ेगा, सभी को देना पड़ेगा कि कांग्रेस ने अयोध्या में कोई श्रेय नहीं देना होगा, कतई कांग्रेस को कोई श्रेय नहीं, माइनस में नंबर देना होगा, दे दूंगा कांग्रेस को अयोध्या को लेके, मिलने श्रेय तो छोड़ ही दीजिए, मैं बड़ा विचित्र आदमी हूं त्रिपाठी जी, माइनस अच्छा, नंबर दूंगा। अयोध्या में कुछ नहीं था अचानक, कुछ नहीं किया भाई, अयोध्या को नक्शे पे ही मोदी जी ले आए, ये भी कह दिया जाए तो क्या मैं नहीं, ये थेतराई है त्रिपाठी जी, ये थेतराई है,
अयोध्या तो जवाहरलाल नेहरू से भी पहले किए, छोड़िए पर तमाम स्टेटमेंट को थिथरी में लाया जा सकता है। देखो एक बात बताएं त्रिपाठी जी, एक बात बताएं, मैं तो कह रहा हूं हम लोगों ने अयोध्या देखना शुरू किया 88 के आसपास से मान लीजिए, क्या तब तक तो पंत जी से लेके और 89 में नरेंद्र तक का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। अगर कांग्रेस के इन बहादुर मुख्यमंत्रियों ने जरा भी कुछ काम किया होता तो अयोध्या हमको 88 में चकाचक नहीं मिलती, और कैसी मिलनी चाहिए थी अयोध्या, वो उसका एक उदाहरण दे देता हूं आदरणीय जोशी जी के, उसमें फिर ओपी सिंह जी के पास जा रहा हूं। मैं चाहता था मंदिर बने नहीं बने, बनेगा कि नहीं बनेगा कोर्ट का मसला है, ठीक, इसमें किसी में पार्टी को दोष नहीं देता, भाजपा की इच्छा थी वो उस आंदोलन में कूदे, जिनकी इच्छा नहीं थी वो नहीं कूदे, ओके। लेकिन मैं चाहता था ऐसा उदाहरण रख दूंगा कि जनता बम बम करेगी, कहेगी भैया क्या बोले अग्निहोत्री जी, आनंद आ गया। मैं चाहता था ओपी सिंह जी कि अयोध्या को सफाई जैसा बना दिया जाता, पहले क्या दिक्कत थी, नहीं सैफई में एयर स्ट्रिप पर 100 करोड़ रुपया लगा, 100 करोड़। वहां कौन से जहाज उतर रहे हैं, वो रणनीतिक क्षेत्र है भारत का, औद्योगिक क्षेत्र है भारत का, किनके जहाज जा रहे हैं वहां मुझे बताओ, वहां की सड़कें 4 लेन 4 लेन 8 लेन कौन सी लेन आ रहे हैं, छोड़ो ऐसा लगता है पेरिस हांगकांग की सड़कें हैं, झमाझम गाड़ी मक्खन से जा रही है, ऐसे ऐसे स्विमिंग पूल है त्रिपाठी जी, आप गए होगे से भाई, आप तो कांग्रेस के नेता सब जगह घूमते हो, ऐसे ऐसे स्विमिंग पूल है उनमें रेशमी गाउन पहन के नहा तो बैकुंठ दिखे नहीं जोशी जी, ऐसे ऐसे रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस बनवा दिए, कसम से नोएडा में न मिले, झूठ नहीं कह रहा, जाके देखे आओ, जाने कैसी कैसी यूनिवर्सिटी कहां कहां गई, देशी विदेशी सब खुल गई, मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी आदि 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 अनादि। हमारा निवेदन यह था हमारे रामलला जो आप सबके हमसे ज्यादा हैं, उनके इलाके को भी ऐसा कर देते तो कोई बुरी बात कही दी मैंने, नाराजगी है क्या, जैसा बादलपुर किया ओपी सिंह जी आपको बता रहा हूं, जैसा बहन जी ने बादलपुर को संवारा, समाजवाद ने सफाई को संवारा, ऐसा अयोध्या को क्यों नहीं संवारा, मेरा सिर्फ विनम्र प्रश्न ये है ओपी सिंह जी। सफाई जी अवतार जी आप तो सब जानते हैं, चाहे बादलपुर हो चाहे सफाई हो, जो विकास हुआ हो, हाँ लेकिन एक कष्ट होता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, लेकिन इस देश के एक नागरिक होने के, इस प्रदेश का नागरिक होने के, एक हिंदू होने के दो कष्ट है। एक कष्ट मुझे देखिए, अभी डिबेट का विषय तो आपका खत्म होने वाला है, दो विषय, एक विषय ये कि दुनिया में उत्तर प्रदेश नहीं देश नहीं दुनिया में मेरा ज्ञान वर्धक है, एक सवाल मैंने किया था ना कि 31 साल में कोई कांग्रेस का बड़ा नेता गया हो राम मंदिर में, तो कृपया बता दें अगर गया हो तो जो कहिए मैं बाजी हार गया। अब दूसरा सवाल करने जा रहा हूं, डिबेट बहुत हो चुका, दुनिया में जितने भी धर्म है एक हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें हिंदू ही हिंदू देवी देवता और हिंदू धर्म की जितनी बखिया उधेड़नी, जितना गाली देना हो, जितना शब्द कहना कर दो, कोई माई कलाल इस धरती पर पैदा नहीं कि दूसरे धर्म के किसी कुरान किसी अल्लाह किसी ग्रंथ किसी किताब के बारे में किसी उनके बारे में सूफी संत के बारे में एक शब्द कहा हो, नहीं कहा, खाली हिंदू धर्म और हिंदू ही गाली दे रहा, एक का नाम मत लिए सैकड़ों, एक कष्ट मुझे ये है। दूसरा कष्ट ये है कि हम भाजपा प्रवक्ता छोड़ दीजिए, मैं हिंदू हूं प्रवक्ता रहूंगा नहीं रहूंगा हिंदू हूं, त्रिपाठी जी हिंदू है, भुवनेश जी हिंदू है, समाजवादी पार्टी की सरकारें नहीं चार बार जी, कब्रिस्तान प्रदेश में कब्रिस्तान की दीवारों पर प्रत्येक वर्ष 300 करोड़ रुपया खर्च होता था, काश समाजवादी पार्टी काश बसपा पार्टी काश जो है कांग्रेस पार्टी एक करोड़ों 120 करोड़ हिंदुओं के आस्था का केंद्र जहां 15 करोड़ आदमी प्रतिवर्ष काशी धाम में दर्शन करने जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, 13 से 15 करोड़, आप जो है 3000 करोड़
300 करोड़ अगर किसी सरकार ने खर्च किया हो, हम भी हिंदू हैं, हमारे जो है मथुरा पर, हमारे अयोध्या पर, हमारे जो है क्या कहते हैं कि जो है चित्रकूट पर, हमारे उस पर, तो क्या हो जाता। आज आप ये देखिए कि अगर विश्व का सबसे बड़ा ये आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र बना है तो विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र भी बना है, क्या इससे आर्थिक उन्नति नहीं होगी? आज बनारस की आर्थिक उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है? आज जो है अयोध्या की आर्थिक उन्नति का सवाल यह उठ रहा है कि साहब वहां के लोगों ने तो ये कहा कि जहां दिन भर में 500 की बिक्री होती होना मुश्किल था, आज हम शाम को 5,000 रुपया 6,000 रुपया, छोटा दुकानदार, मैं टीवी पर सुन रहा था जो बाइक ले रहे थे, आप बताइए अब आपको कैसा लग रहा है? कैसा पहले दिन भर में 400 500 की, तो आर्थिक उन्नति भी हुआ।